दर्शकों, गाडरवारा विधानसभा में इस समय हम मौजूद हैं और विधानसभा चुनाव नज़दीक है। जैसा कि हमने आपको बताया है कि समय समय पर हम कांग्रेस और भाजपा के दोनों नेताओं के कुछ चुनिंदा नेताओं से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। आज मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता हैं जिनकी आवाज़ नरसिंहपुर में ही नहीं बल्कि भोपाल और पूरे प्रदेश में गूंजती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और भाजपा के एक बेबाक नेता मनीन डागा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत नमस्कार। कैसा लगा आपको जब ये पता चला कि भारतीय जनता पार्टी ने सांसद राव उदय प्रताप को गाडरवारा विधानसभा से प्रत्याशी बनाया? निश्चित रूप से राव उदय प्रताप सिंह जी का गाडरवारा से विधानसभा का प्रत्याशी घोषित होना अपने आप में हम सबको गौरवान्वित करने वाला था। एक ऐसा नेता जो विकास के नाम से जाना जाता है, जो अपने काम के नाम से जाना जाता है और एक अजीब योद्धा के रूप में उन्होंने राजनीति में कदम रखा और जो उत्तरदायित्व तो पार्टी ने उनको दिया, जो चुनाव वो लड़े, ईश्वर की ऐसी अद्भुत कृपा उनके ऊपर है, वो जनपद का लड़े तो जनपद का जीते, विधानसभा का लड़े विधानसभा का जीते, तीन लगातार लोकसभा का प्रतिनिधित्व तो किया। जब ऐसे विकासशील व्यक्तित्व को गाडरवारा विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया तो जिस दिन उन्होंने माँ नर्मदा का पूजन किया था उसी दिन इस क्षेत्र ने बता दिया था कि हम उनका सिर माथे पर उनका स्वागत और अभिनंदन करके उनको बधाई और शुभकामनाएं अग्रिम जीत की हम लोगों ने प्रेषित की। अग्रिम जीत की आप बात कर रहे हैं, पिछले एक हफ्ते के अंदर इतने ज़्यादा भूमि पूजन, लोकार्पण और राजकोट एक्सप्रेस जिसकी लंबे समय से मांग चल रही थी रसाले चौका में स्टॉपेज की, ये सारी चीज़ें हुई हैं। क्या लगता है पिछले चार पाँच वर्षों से, साढ़े तीन वर्षों से भाजपा की सरकार थी मध्य प्रदेश में, आप ही पार्टी के नेता भोपाल में लगातार मांग पत्र देते, चाहे गोपाल भार्गव को दें, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर को दें, चाहे शिवराज सिंह चौहान को दें, तो लगातार उनकी जब बात चल रही थी तो सडनली सांसद जी के आने के बाद ये विकास कार्यों में तेज़ी कैसे आ गई? देखिए अमन भाई, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपको मालूम है कि किसी भी प्रोसेस को करने में एक दिन का समय नहीं होता है। आप जिस सड़क की मांग कर रहे हैं और यही भारतीय जनता पार्टी की खूबी है कि आपको अपनी मौलिकता के अनुसार आपको विकास उन्मुखी कार्यों की बात रखने के लिए अपने नेता से लड़ने का भी अधिकार भारतीय जनता पार्टी देती है। जो जनता के हित से जुड़े मुद्दे हैं उनको लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व भी, शीर्ष नेतृत्व भी कहता है कि आप जनता की बात को रखने के लिए आगे आइए। और जब ज्ञापन दिया गया, चार महीने पाँच महीने पहले की ये सारी प्रोसेस है, छः महीने पहले की, जब गोपाल भार्गव जी से सारे लोग जो आंदोलनकारियों को साथ ले गए तब राव उदय प्रताप जी ने कहा था कि मेरे रहते अगर आपको आंदोलन करना पड़े तो ये मेरे लिए शर्म की बात है, आप आंदोलन से उठ जाइए, ये बेहतरीन सड़क आपकी जो है वो बन के तैयार होगी। और उसी समय ये सारा प्रकरण वो दिल्ली लेके गए और नितिन गडकरी जी से, जो ये अब डामल रोड नहीं बन रहा, ये 32 करोड़ का सीमेंट का रोड बन रहा है, वो सीमेंट का रोड की सरसराती हुई गाड़ी उसमें से जाएगी और दसों साल, बीसों साल, पच्चीसों साल उस रोड का कुछ होने वाला नहीं है। तो ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, उसका टेंडर लगा और टेंडर लगने के बाद वो टेंडर एक बार कैंसिल हो गया, फिर ये दूसरा टेंडर लगा। जब दूसरा हम चाहते तो पहले ही भूमि पूजन कर देते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी एक सी है कि जब टेंडर लग गया, वंशिका कंस्ट्रक्शन को टेंडर मिल गया, उसके बाद उसका भूमि पूजन माननीय सांसद जी ने किया है। तो इसमें मैं नहीं समझता कि कोई किसी को पेट दर्द होना चाहिए। मान लीजिए विधायक जी ने अभी हाल में बड़े ग्राउंड पर एक भूमि पूजन किया, हमने तो उस पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं करी। विकास उन्मुखी काम अगर कोई कर रहा है, कोई हो रहा है तो वो स्वागत योग्य होना चाहिए। आज हो रहा है या कल हो रहा है, आज अभी आचार संहिता नहीं लगी और आचार संहिता जब तक नहीं लगी है तब तक हम भूमि पूजन भी कर सकते हैं, हम उद्घाटन भी कर सकते हैं, हम सारे काम कर सकते हैं। ये हमारी कार्यशैली, ये हमारी कार्य पद्धति और ये लोकतंत्र ने जो अधिकार दिया है उसके तहत किया गया है। लेकिन कांग्रेस तो ये कह रही है कि सांसद जी ने ये सारे काम रोक के रखे थे, उन्हें आभास था कि हम गाडरवारा विधानसभा चुनाव जब लड़ेंगे तो ये सारे जो लोकार्पण हैं, भूमि पूजन हैं, ट्रेन के स्टॉपेज हैं और ऐसे बड़े काम हम जनता के समक्ष रखेंगे जिससे उन्हें ऐन चुनाव में फ़ायदा मिलेगा। देखो, कांग्रेस को कहना भी चाहिए, ये उनका नैतिक दायित्व, विपक्ष में बैठे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, उनको चुनाव लड़ना है, ये कहना भी चाहिए, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं, वो उनका विषय है। मैं ये जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए प्रतिबद्ध है, विकास के लिए कटिबद्ध है, विकास के लिए निरंतरता उसकी पहचान है, इसीलिए ये पार्टी का निरंतर ग्राफ बढ़ रहा है। और कांग्रेस की नकारात्मक सोच के कारण पूरे देश के अंदर अगर आप परिदृश्य को देखें तो 400 की सीट वाली कांग्रेस आज 44 पर अगर अमन भाई अगर सिमटी है तो उसका कारण ही यही है। क्योंकि आप एक तरफ कहते हो कि राम मंदिर का मुद्दा मुद्दा नहीं है,
फिर दूसरी तरफ जब आप देखते हो पूरी देश की जनता उसको आत्मसात करती है, तो आप उसी मुद्दे को आप भी जनेऊ डाल के आप भी, तो हमने उस पर कोई आपत्ति व्यक्त नहीं करी। ये अच्छी है कि आपने भारतीय जनता पार्टी से सीख लेके आप राम को मानने लगे, अच्छा है आप जनेऊ डाल के आप शंकर जी की पूजन करने लगे, तो हमें तो कोई एतराज नहीं है। और वो अगर ये आवाज़ उठा रहे हैं तो वो उनका अधिकार है, वो उसको उठा सकते हैं। हम विकास कल भी करते थे, विकास आने वाली जो 2023 की सरकार होगी वो भी करेगी, और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार जो 2024 में तीसरी बार बनने जा रही है उसमें भी हमारी पहली प्राथमिकता विकास, विकास और विकास रहेगी। पिछले बार की अगर जब हम बात करें, जब मैंने आपसे मुखातिब हुआ था, आपसे रूबरू हुआ था, आप उस टाइम पे कांग्रेस में थे, आप कहते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार महंगाई के मुद्दों को छोड़ के भाजपा ने किसानों की हालत क्या कर दी आप देख लीजिए, पूरे प्रदेश में बेरोजगार युवा आज दर दर भटक रहे हैं वो देख लीजिए, लाडली बहना जरूरी योजना एक आई है लेकिन एंड टाइम पे चुनाव पे आई है, इन मुद्दों का क्या हुआ? देखिए निश्चित रूप से बहुत अमन भाई बहुत स्पष्ट तौर पर मैं एक बात कहता हूँ, कोई भी सरकार आ जाए, कभी आज हम 50 लोगों को रोजगार देंगे 100 लोग नए तैयार हो जाएंगे। कार्य योजनाएं लगातार बन रही हैं, लगातार रोजगार दिए जा रहे हैं, नए रोजगारों को सृजित कैसे किया जाए उसके बारे में निरंतर मुख्यमंत्री जी ने मीट्स की हैं। साथ ही प्रधानमंत्री जी का एक आह्वान था कि आत्मनिर्भर भारत को हमको बनाना है, और आज मुख्यमंत्री जी ने भी जो नौजवानों को लोन देकर कि आप आत्मनिर्भर बनिए, आप खुद आप काम करने वाले मत बनिए, आप काम देने वाले बनिए। तो निरंतरता इसमें मैं ये मानता हूँ कि ये ख़त्म भी नहीं होना चाहिए। आज 50 रोजगार हम देंगे तो 100 नए रोजगार के लिए फिर हमारे नौजवान तैयार होंगे, तो हमें उन 100 लोगों के लिए फिर नए रोजगारों को सृजित करने के लिए काम करना पड़ेगा, और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार। स्थानीय जो नेता थे यहाँ के विधानसभा में जो लगातार संघर्ष कर रहे थे, चाहे गौतम पटेल हों, चाहे साधना स्थापक हों, चाहे नरेश पाठक हों, या फिर और अदर लीडरों में आप भी शामिल थे, लोगों का ये कहना है कि स्थानीय नेतृत्व को यहाँ पर मौका मिलना चाहिए था, सांसद जी बाहरी प्रत्याशी थे उनको यहाँ पे लाके थोप दिया, प्रहलाद पटेल जी को नरसिंहपुर लाया गया है, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को टिकट दी गई है, फग्गन सिंह कुलस्ते को टिकट दी गई है, कैलाश विजयवर्गीय को टिकट दी गई है, कैसे लेते हैं, क्या ये मुद्दा चुनावों में एक अहम भूमिका निभाएगा? देखिए भारतीय जनता पार्टी केडरवाइज पार्टी है, एक अनुशासित पार्टी है। आप ये सोचिए कि नरेंद्र सिंह जी तोमर से कहा गया है कि आपको दिमनी से लड़ना है, उन्होंने तुरंत स्वीकार किया कि मैं दिमनी से लड़ने तैयार, दिमनी उनका क्षेत्र है। राव उदय प्रताप सिंह जी कब से बाहर हो गए मुझे नहीं मालूम, वो इस ज़िले के निवासी हैं, हमारे मेड़ पड़ोसी हैं, और मेड़ पड़ोसी मैं समझता हूँ अमन भाई सबसे पहले अगर कोई सुख दुख आता है तो दौड़ के हमारा मेड़ पड़ोसी हमारे पास आता है बनस्पत दूसरा आने के। तो राव उदय प्रताप सिंह जी पूरे होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र में अगर 73,000 वोट से गाडरवारा विधानसभा जीते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि गाडरवारा में उनकी लोकप्रियता किसी स्थानीय प्रत्याशी से कम नहीं है, ज़्यादा ही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। तो वो एक बहुत स्थापित और बहुत ही कार्यकर्ताओं को सम्मान देने वाले नेता हैं, विकास उन्मुखी नेता हैं, और पार्टी ने सारी चीजों को दृष्टिगत रखते हुए कोई बाहरी प्रत्याशी नहीं। दूसरी बात आपको और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तक जो कहा जाता था कि वो बाहर के हैं, तो सबसे पहले उन्होंने आपकी जानकारी के लिए, आपके चैनल के, आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि लक्ष्मी टाउनशिप स्टेशन रोड पर उन्होंने अपना मकान ले लिया है जिसका नाम सेवा सदन है। वहां पर किसी को लोलरी जाने की आवश्यकता नहीं, किसी को घूमने जाना हो तो ले जाए, लेकिन यहाँ पर पूरे समय ऑफिस रहेगा, यहाँ पर वो स्वयं रहेंगे। पहले वो 3,000 गांव घूमते थे, अब उनको 250 गांव में ही अपनी पूरी सीमित दायरे में एक विधानसभा में घूमना है, जो उन्होंने लक्ष्य बना लिया कि गाडरवारा का विकास ही मेरा लक्ष्य है, गाडरवारा का कार्यकर्ता का सम्मान ही मेरा लक्ष्य है। उस लक्ष्य को लेकर उदय प्रताप जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि राव उदय प्रताप जी बहुत अच्छे प्रचंड बहुमतों के साथ विजय होकर सरकार बनने पर मुझे ऐसी अग्रिम कामनाएं मैं उनको देता हूं कि वो मंत्री के रूप में गाडरवारा का प्रतिनिधित्व करेंगे। किन मुद्दों पे भाजपा चुनाव लड़ रही है, आप आम जनता के पास जा रहे हैं, क्योंकि यहां से कांग्रेस की विधायक थी सुनीता पटेल जी और लगभग डेढ़ वर्ष यहां से कांग्रेस की सरकार में विधायक भी रही, तो किन मुद्दों को लेकर भाजपा आम जनता के बीच में जा रही है? निश्चित रूप से हमने पहले भी आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से विकास ही मुद्दा रहा है। 2003 का जो मध्य प्रदेश हमको मिला था, मैं भी कांग्रेस में रहा, लंबे समय तक मैंने कांग्रेस की राजनीति की, मैंने महसूस किया कि विकास की जो ललक होना चाहिए, क्या हाल सड़कों के थे पहले और आज क्या हाल सड़कों के हैं, आप इसके गवाह हैं।
विकास में निश्चित रूप से आज इंदौर अगर आप देखें तो पूरे हिंदुस्तान में एक उसने अलग कद बनाया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। आज गाडरवारा में आपने जैसे कहा किसानों का मुद्दा है, तो किसान को हमने उचित मूल्य देने का काम किया, साथ में किसान सम्मान निधि के रूप में 6000 रुपया अगर प्रधानमंत्री ने दिया तो 6000 रुपया हमारे मुख्यमंत्री ने उसके खाते में डालने का काम किया। हमने लाडली बहनों को सशक्त बनाने का काम अगर हमने किया तो आज मध्य प्रदेश, आज हमने लाडली हमारी बेटियों को, पहले बेटियों को जन्म देने से लोग घबराते थे, ये पहली हिंदुस्तान की सरकार होगी जो पैदा होने से लेके और मरने तक की व्यवस्था करने का काम अगर करती है, जो काम बेटे को करना चाहिए वो मध्य प्रदेश की सरकार करती है कि प्रत्येक हमारे वृद्धजनों को तीर्थ दर्शन कराने का काम और हज कराने का काम, यहाँ से अजमेर शरीफ ले जाने का काम भी अगर किसी ने किया है तो हमारी मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। महंगाई पर क्या विचार है मनीष डागा जी के? आप भाजपा के एक प्रदेश कार्य समिति के नेता हैं, गाय की हालत आप देख लीजिए, आज रोडों पर गाय माता की हालत बहुत दयनीय है। जहां देखो आप नेशनल हाईवे भोपाल जाएंगे तो गाय माता की बहुत दयनीय हालत है, सागर चले जाएं तो वहां दयनीय हालत है। इन सब मुद्दों को लेकर क्या विचार हैं भाजपा नेता जी? निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूँ, गौ माता की स्थिति बहुत दयनीय है और उस पर सरकारों को और तेज़ी से काम करने की आवश्यकता है। अभी सारे पंचायतों को और नगरपालिका नगर निकाय के यहाँ पर ये निर्देश दिए गए थे भूपेंद्र सिंह जी के द्वारा कि जो गौशालाएँ बंद पड़ी हैं उन गौशालाओं को चालू कराया जाए और उनमें सामाजिक संगठनों को जोड़ा जाए जिससे ये व्यवस्थित स्वरूप में चल सकें। और अभी जैसे चिरहकला की गौशाला है, इस पर अभी कुछ समाजसेवियों से नगरपालिका अध्यक्ष जी की बात चल रही है, जिसमें मैं स्वयं जो रोटरी क्लब में हूँ हम लोगों ने भी इच्छा जाहिर की है कि ऐसी गौशाला हमको गोद दी जाए। गाडरवारा की गौशाला है, उसमें आज लगभग 400-500 गौ माताएँ उसमें हैं। महंत बालक दास जी की बहुत अच्छी गौशाला है जिसमें लगभग 500-600 गौशालाएँ, अभी 4-5 नई गौशालाएँ बनी। निश्चित रूप से ये दुखद विषय है, मैं इसमें किसी प्रकार का राजनीतिक बयान नहीं देना चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि चाहे सरकार किसी भी की हो, पर एक चीज़ ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ कि हम गौ माता जो रखते हैं मैं दोषी उनको नहीं मानता जो गौ माताओं को काटने का काम करते, मैं दोषी उन लोगों को मानता हूं जो गौ माताओं को कटने के लिए रोड पर छोड़ते हैं, चाहे वो समाज का किसी भी वर्ग का आदमी हो। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि इस गौवंश को बचाने की आवश्यकता है, तो इसके लिए अकेली सरकार पर्याप्त नहीं है, इसके लिए जन जागरण और हम स्वयं को गौ माता के प्रति एक सम्मान का भाव रखते हुए गौ माताओं को रोड पर छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हम ही तो छोड़ रहे हैं ना, जब तो वो रोड पर आ रहे हैं, हम नहीं छोड़ेंगे तो रोड पर कैसे आएंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यह निवेदन पूर्वक संदेश भी देना चाहता हूं कि हम सब मिलकर भी गौ माताओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम करें। यहाँ की जो स्थानीय विधायक है सुनीता पटेल जी, उन्होंने मंच से कहा था कमलनाथ जी के सामने तत्कालीन जब मुख्यमंत्री थे कि गाडरवारा को जिला बनाया जाए, भाजपा का क्या रुझान है सोर के, गाडरवारा जिला बनेगा आगामी समय में या फिर आप कोई सौगात देने वाले विधानसभा चुनाव के पहले? निश्चित रूप से 2023 मैं अभी आपको वादा तो नहीं करता, लेकिन 2023 भारतीय जनता पार्टी फिर से, ईश्वर ने चाहा तो कैबिनेट मंत्री पहली बार गाडरवारा से, और ईश्वर ने चाहा तो जो आप कह रहे हो वो सारी मांगें भी, मुझे लगता है कि ये उदय इसीलिए हुआ है कि उनके प्रताप से यहाँ पर ज़िले का उदय होगा, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हीं के नेतृत्व में इस ज़िले का उदय होगा। कौन करा पाया कौन नहीं करा पाया, हम बीती ताई बिसार दे आगे की सुधले, हम उस पर नहीं जाना चाहते, हमको तो उदय प्रताप जैसा एक व्यक्तित्व मिला है तो मुझे लगता है कि इस ज़िले का नया उदय भी उनके मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में होना चाहिए। तीन ऐसी कौन सी खास खूबियां हैं जिनके कारण आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सांसद राव उदय प्रताप जी को पब्लिक वोट करें? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात, तीन बार की वो सांसद हैं, एक बार विधायक, एक बार जनपद के अध्यक्ष, पंच से सरपंच अगर आदमी बन जाए तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, जिसके अंदर सहजता हो, जिसके अंदर सरलता हो, जिसके अंदर विनम्रता हो, जिसके अंदर सहनशीलता हो, जिसके अंदर समर्पण हो, जे ऐसा व्यक्तित्व जो आपने अगर फ़ोन लगाया और वो मीटिंग में बैठे हैं तो वो देखते हैं कि यार किसी कार्यकर्ता का या किसी आम जन का फ़ोन आए तो कॉल बैक करते हैं। सांसद होने के बाद कोई पीए फ़ोन नहीं उठाता, राव उदय प्रताप स्वयं फ़ोन उठा के उस व्यक्ति को जवाब देते हैं। काम कई बार हो पाते हैं कई बार नहीं हो पाते, पर उसको संतुष्ट करने का प्रयास राव उदय प्रताप सिंह जी करते हैं, ये उनकी पहली अच्छाई कह लो या एक से लेकर तीन तक की अच्छाइयाँ आप कह लो। दूसरा, उनके अंदर काम करने की ललक है, मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम करने का मुझे अनुभव रहा है,
पर राव उदय प्रताप जी की जो निरंतरता है, 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर उनकी गाड़ी दौड़ती रहती, 8 विधानसभा, 3000 गांव लोकसभा क्षेत्र में, उसके बाद आप पता कर लें पूरे मध्य प्रदेश में, तो मैं ये गर्व से कह सकता हूं कि हमारा नर्मदापुरम का सांसद सबसे ज़्यादा घूमने वाला, सबसे ज़्यादा जनता के बीच में जाने वाला सांसद है। दूसरी खूबी उनके अंदर इस बात की, तीसरी खूबी उनके अंदर जो है कि उनको लगता है कि मैं क्या नवाचार कर सकता हूँ, कौन से काम ऐसे हैं। सिर्फ उनका कहना था कि गाडरवारा में बहुत सारी संभावनाएं हैं, क्योंकि मैं अभी 8 विधानसभाओं को देखता था, अब मुझे एक विधानसभा देखना है, तो मैं सारा ध्यान केंद्रित करके गाडरवारा को, ये ओशो की धरा है, तो उनका मन है कि ये ओशो की धरा ऐसी विकसित हो। एक विज़न उनके अंदर है काम करने का, कि उस विज़न के साथ मुझे काम करना है। नाली और सड़क तो ये रूटीन वर्क है, मुझे गाडरवारा को वहाँ स्थापित करना है कि विक्स के नक्श, क्योंकि हिंदुस्तान का मध्य है मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश का मध्य है गाडरवारा, तो उस मध्य में जो हृदय है वो हृदय पूरे देश के अंदर धड़के, वो काम मुझे करके दिखाना है। ये तीसरी खूबी मुझे उनके प्रति आकर्षित भी करती है और जनता को भी उनके प्रति आकर्षित कर रही है। लगातार आप लोग मेहनत कर रहे हैं, लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि विधानसभा चुनाव के बाद सांसद जी को पुनः दिल्ली बुला लिया जाए और यहाँ पे उपचुनाव हो, इस बात की कोई गारंटी समझ में आती है कि जनता आपको प्यार दे, भरपूर समर्थन दे और आखिरी में ऐसा हो कि सांसद जी को दिल्ली बुला लिया जाए, यहाँ से फिर उपचुनाव? देखिए, ये निर्णय के विषय में ये मेरे लायक प्रश्न नहीं है, लेकिन एक बात मैं बता दूँ आपको, वो जिस भी भूमिका में रहेंगे गाडरवारा उनके केंद्र बिंदु में रहेगा, ये बात के लिए मैं आश्वस्त कर सकता हूँ। वो पार्टी हाईकमानों के निर्णय होते हैं कि अब राहुल गांधी दिल्ली में रह रहे हैं, वायनाड से चुनाव लड़े, तो वो पार्टी का निर्णय था, अब तो मेड़ पड़ोसी को हम कह रहे हैं बहुत दूर का है, अब राहुल गांधी जी जाके लड़ रहे हैं वायनाड से चुनाव, सोनिया गांधी जी लड़ रही हैं रायबरेली से चुनाव, तो वो अलग विषय है, वो पार्टियों के निर्णय होते हैं, मैं उनमें नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बात मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, वो कहीं कोई भी भूमिका पार्टी उनकी तय कर दे, पर उन्होंने अपनी भूमिका को तय कर दिया है कि मेरे केंद्र बिंदु में गाडरवारा विधानसभा क्षेत्र होगा। क्या लग रहा है, चुनाव बड़ी आसानी से भाजपा जीतेगी या फिर जो रूठे हुए लोग हैं उनको मनाने के बाद एक बड़ी जीत की ओर भाजपा रहेगी? नहीं, भाजपा में कोई रूठता नहीं है, भाजपा में कोई रूठता नहीं, कुछ समय के लिए, अभी तो 2 महीने का चुनाव में समय है, सब धीरे धीरे, अभी कार्यालय एक बना है, धीरे धीरे आगे आप देखिए कैसे कार्रवाई, और जीत की ओर हम देखिए, हम किसी को कमज़ोर मान के चुनाव नहीं लड़ते, चुनाव चुनाव होता है, चुनाव को चुनाव के ढंग से लड़ा जाएगा। हम मुगालते में चुनाव लड़ने वाले लोगों में से नहीं हैं, हम ज़मीन पर रहने वाले लोग हैं और ज़मीन पर रहकर हम ज़मीन की प्राथमिकताओं को तय करते हुए, कार्यकर्ताओं के बीच में रहते हुए, जनता के बीच में रहते हुए अपना निवेदन और हमारे द्वारा 18 और 20 साल में जो काम किए गए हैं उन कामों के आधार पर, केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन की सरकार में जो काम हुए हैं उनके आधार पर हम जनता के बीच में जाएंगे और वोट मांगेंगे, आशीर्वाद मांगेंगे। इसलिए हम जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, जिनके अंदर आक्रोश भरा है वो जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं, हम तो आशीर्वाद लेने वाले लोग हैं, इसलिए आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं और जनता का भरपूर आशीर्वाद हमको इस आशीर्वाद यात्रा में मिला है, तो मैं मानता हूं कि इस बार भी हमें जनता भरपूर अपने आशीर्वाद से नवाजेगी और गाडरवारा में उदय प्रताप जी बहुत अच्छे मतों से विजय होंगे, ऐसी हमारी कामना है। आखिरी सवाल है आपसे, क्या लगता है जिले की सबसे बड़ी जीत गाडरवारा से होगी या फिर अदर विधानसभा से आएगी? देखिए, जीत जीत होती है, हम तो मेहनत यही समझ के और यही जान के, हम तो चाहते हैं मध्य प्रदेश की 200-300 सीट पे सर्वाधिक जीत हो, लेकिन चूंकि हम गाडरवारा के रहने वाले हैं तो हमारा मन है कि बहुत अच्छे मतों से उदय प्रताप जी जीतकर यहां की विकास की परिकल्पना को साकार रूप प्रदान करें, ये हमारा भाव और भावना है। एक आखिरी सवाल, सांसद जी अगर यहां से विधानसभा चुनाव जीतते हैं तो मनेंडागा अपने खास गाडरवारा शहर के लिए कोई स्पेशल प्रोजेक्ट, कोई स्पेशल प्लान, कोई सपना, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट हो जो उनसे बोले कि सर ये जरूर? निश्चित रूप से मैं कांग्रेस में था तब भी मैंने, आपने मेरा इंटरव्यू किया था तब भी मैंने कहा था कि यहाँ चूंकि ये गन्ने का बहुत बड़ा क्षेत्र है और ये धान का कटोरा कहा जाने लगा है, मैंने उस समय आपका इंटरव्यू निकाल के देखना, जब भी मैंने कहा था, और मैं उस समय चुनाव अभियान समिति का सदस्य था, उस सभी चुनाव अभियान समिति में मेरा उस समय भी प्रस्ताव था, और मैं यही निवेदन उदय प्रताप जी से करूंगा कि यहां पर एक सरकारी गन्ने मिल की जिले में बहुत आवश्यकता है, एक राइस मिल सरकारी उसकी बहुत आवश्यकता है, जिससे किसानों को बहुत बड़ी राहत होगी और उसका और अच्छा मूल्य किसानों को मिल सकेगा, तो ये मेरे ड्रीम में शामिल। गाडरवारा ओशो की धरा है, गाडरवारा क्षेत्र जो है दादा धूनी वालों की धरा है, गाडरवारा क्षेत्र महर्षि महेश योगी की धरा है, तो गाडरवारा नर्मदा से घिरा हुआ क्षेत्र है, तो ये सारे विकास के प्रोजेक्ट में शामिल हों और लोग आकर्षित होकर यहाँ पर रजनीश
का शहर है उसको देखने आए, तो जब लोग बाहर से यहाँ आएंगे तो यहाँ व्यापार बढ़ेगा, व्यवसाय बढ़ेगा, लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। तो ये हमारी प्राथमिकता में शामिल है, हमारे निवेदन में माननीय उदय प्रताप जी से अग्रिम शामिल। तो ये थे भाजपा नेता मनीष डागा जी, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस बार सांसद जी को जिताएंगे और गाडरावारा को जिला बनाने के लिए भरसक प्रयास किए जाएंगे। कैसा लगा आपको आज का हमारा कार्यक्रम, हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके शेयर करके बताएं। कैमरामैन मयूर के साथ मैं मन खान, बहुत बहुत धन्यवाद।